आजकल का दौर ऐसा है कि अगर आपका सच्चा दोस्त थोड़ा सा भी नाराज हो जाए तो वो दुश्मन जैसा बर्ताव करने लगता है। आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान हो, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार किया है जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता, तो वो आपकी इज्जत और भावनाओं को भी चोट पहुंचाएगा। कुछ लोग तो आपकी जिंदगी में बस वक्त बिताने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाने देते हैं। जिंदगी के चार जरूरी नियम: मेहनत से पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लो और दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल मत दो। मैंने अब अपनी बातों के लिए बहस करना छोड़ दिया, क्योंकि जिंदगी से मिले तजुर्बे हमें बहुत कुछ सिखा देती है। किसी की यादों में जीना आसान नहीं होता, अंदर ही अंदर इंसान टूटता रहता है। मौत एक सुकून दे सकती है, पर जिंदगी तो कई बार तकलीफें देती है। जितना हो सके खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि हमारी जुबान से ही हम कई बार गलतियां करते हैं। दर्द कभी कम नहीं होता, बस हमें उसे सहने की आदत हो जाती है। अगर कोई इंसान आपके लिए वफादार नहीं है तो उसकी खूबसूरती का भी कोई मतलब नहीं। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती है, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो हम एक बार मरते हैं, और अगर साथ टूट जाए तो हम अंदर से रोज मरते हैं। किसी को खोकर भी उसे चाहने हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस दुनिया में लोग सच बोलने का दिखावा करते हैं, पर अंदर से सब झूठ बोलने में माहिर होते हैं। अपनी इज्जत के लिए हमेशा खड़े रहो, कभी भी अपने ओहदे पर घमंड मत करो, क्योंकि ऊंचाई से गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। असल ताकत वो है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाए। जो लोग मेरी भावनाओं को समझ नहीं सके, वो एक दिन मेरे बिना जीने की कमी को समझेंगे। रिश्ते तभी टूटते हैं जब उनका मकसद पूरा हो जाता है। एक फकीर ने एक बार मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा था, तू सांस लेता है लेकिन जैसे तू नहीं जी रहा। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल से जीना भूल जाते हैं और बस दुनिया के सामने जीना का दिखावा करते हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन चिंता करने से वह और बढ़ जाती है। इसीलिए खामोशी से सब्र कीजिए और जो कुछ भी हो उसका ईश्वर को शुक्रिया अदा कीजिए। अपने अनुभव से सीखे हुए सबक को संभल कर रखें। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना ही है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए। लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ आपके जीवन को अर्थ देंगे और कुछ सिर्फ आपको आजमाने आएंगे। यह एक भ्रम था कि तुम मेरे हमसफर थे, हकीकत तो यह है कि तुम मेरे साथ चल रहे थे लेकिन किसी और की तलाश में। आजकल लोग दोस्ती भी बड़े हिसाब से निभाते हैं। जरा सा आपसे मन खट्टा हुआ कि वह दोस्त दुश्मन की कतार में खड़ा होता है। रिश्तों में इतनी नाजुक डोर है कि अगर किसी ने आपकी इज्जत करना नहीं सीखा तो वह आपकी खुद की इज्जत भी कोई माने नहीं रखता। सच तो ये है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आकर बस हमसे वक्त बिताना चाहते हैं और कुछ वाकई ज़िंदगी का मतलब सिखा देते हैं। जिंदगी को सहने की आदत हो जाती है, लेकिन यादें वही रहती है। मौत से सुकून मिल सकता है, पर असली चुनौती है हर रोज इन हालातों से लड़ना। कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि उन्हें देखते ही अच्छा लगे, लेकिन अगर ईमानदारी नहीं तो सब कुछ बेकार है। जिंदगी के अनुभव खुद की पहचान बना जाते हैं। ये दुनिया यहाँ जो इंसान बोलता है वो ही सबसे ज्यादा धोखा खाता है। इसलिए अब मैं खामोशी से ही काम करती हूँ। जो आपका है वो कभी आपको तकलीफ नहीं देगा, और जो तकलीफ देता है वो आपका कभी हो ही नहीं सकता। किसी को खोकर उसे चाहना हिम्मत का काम है, और ये हिम्मत हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया में लोग सच को अपनाने का दावा करते, लेकिन सच बोलने का दम किसी में नहीं होता। हर ऊंचाई पर पहुँच कर भी विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि गिरने में देर नहीं लगता। बाहर चाहे कुछ भी हो, असली ताकत अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ती है। आजकल रिश्ते अपनी मर्जी से टूटते नहीं, बल्कि लोग अपने फायदे के लिए तोड़ देते हैं। रिश्तों में ठोकर खाने के बाद एक नया सबक मिलता है, और सच्चाई ये है कि जिंदगी उसी से सीखी जाती है। आज के जमाने में हर रिश्ता जैसे समझौता बन गया है।
दोस्ती निभाने का दावा करने वाले लोग थोड़ी सी नाराजगी में कब कब दुश्मनों की लाइन में खड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो लोग जो आपको इज्जत देना ही नहीं जानते, उनके साथ चाहे कितने भी कोशिश कर लो, आखिर में सिर्फ दर्द ही मिलता है। कहते हैं लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं और कुछ ये हमारी जिंदगी होती है। ये मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करता है जैसे तुम उसके लिए। अब मैं किसी के दिखावे में नहीं आती, क्योंकि मैंने देख लिया कि किस तरह लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा दे देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि झूठ से नफरत करते हैं, पर सच तो ये है कि सच का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती, इसलिए मैंने खामोशी को ही अपना हथियार बना लिया। ये सच है कि दुनिया में लोग आपके चेहरे पर तो मीठा बोलते हैं, पर पीठ पीछे वही लोग आपको गिराने का काम करते हैं। अपने आप पर भरोसा करना यही सबसे बड़ी सबक है जो जिंदगी हमें देती है।